एक बच्ची है मुंतशा। महा आप उनको मैसेज करो, उन्हें को कि दोबारा ज्वाइन करें। ओके मैम मुंतशा का पता है ना? जी, मैम हमारी क्लास की है। यस हाँ यस, उनको आप मैसेज करें, उन्हें कहें कि वो दोबारा ज्वाइन कर लें मैम मीटिंग। वो समहाउ यहाँ से फीचर ऑन करने पे वो एक स्टूडेंट रिमूव हो गया है और वो मुंतशा रिमूव हुई है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। अब हम कर रहे हैं प्रोटीन्स को, हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। हमने प्रोटीन्स के बारे में क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में प्रोटीन्स के बारे में? एनीवन? हाँ जी, कोई स्टूडेंट मुझे बताए कि लास्ट हमने पढ़ा लेक्चर था में। कि हमारे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, स्टैंडर्ड कांस्टेंट अमीनो एसिड्स हमने पढ़ा था, लाइक उनके फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स। हाँ जी, तो हमने हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं, और अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखी थी अमाइनो एसिड्स की, कि अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई किया जाता है, और वो पांच टोटल हमारे पास ग्रुप थे। कौन कौन से थे? डिपेंड करता था आर ग्रुप पे, कि आर ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। और वो थे हमारे पास नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स, जिनमें हमारे पास ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन आ जाते थे। फिर हमारे पास थे पोलर बट अनचार्ज्ड, पोलर तो थे पर उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जैसे कि आर्जिनिन एंड लाइसिन वगैरह। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास थे पोलर पॉजिटिवली चार्ज। पोलर पॉजिटिवली चार्ज में हमारे पास थे हिस्टिडीन एंड मास्टर इस तरह के और अमाइनस थे, मेरे जेब में भी आ नहीं रहा कि हिस्टिडीन के अलावा कौन से थे। फिर उसके बाद हमारे पास थे पोलर नेगेटिवली चार्ज। तो पोलर नेगेटिवली चार्ज में थे हमारे पास एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, और फिर थे हमारे पास एरोमेटिक। एरोमेटिक में हमारे पास कौन से थे? ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन था, फिनाइल एलानिन था, और कौन सा था? एक और था, वो कौन सा था? मैम वो मुझे भी याद नहीं है। एक था हमारे पास फिनाइल एलानिन, एक था ट्रिप्टोफैन, और एक था फेनेंथ्रासीन, इस तरह करके कुछ नहीं था। चलिए एक है छोड़े। हमने क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन के बाद हमने देखा कि कुछ अनयूजुअल अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो कॉमन अमाइनो एसिड्स तो वो वाले होते हैं जो प्रोटीन्स का पार्ट होते हैं, और अनकॉमन वो थे जो रेयरली रेयरली एग्जिस्ट करते हैं। वैसे तो वो सेल्स में पाए जाते हैं पर वो इतने ज्यादा आम नहीं होते। तो आज ये हमारा प्रोटीन का ही है पोर्शन, पर प्रोटीन का सेकंड पोर्शन है जिसमें हम ये देखेंगे कि अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई किया जाता है एक और तरह से। पहले हमने क्लासिफाई किया था अमाइनो एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर के बेस पे हमने अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई किया था। अब हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल बेसिस पे अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। पहले हमने कैसे किया था? स्ट्रक्चर की बेस पे जो हमने बनाए थे पोलर ग्रुप्स, अनचार्ज्ड और एरोमेटिक और इस तरह। और अब हम कर रहे हैं उनको न्यूट्रिशनल बेसिस पे। न्यूट्रिशनल बेसिस पे हमारे पास दो टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं। नंबर वन इज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को लाजमी तौर पर चाहिए होते हैं, जिनको हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती। वैसे तो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी को लाजमी तौर पे चाहिए होते हैं,
टोटल हमारे पास स्टैंडर्ड जो अमीनो एसिड्स थे वो 20 अमीनो एसिड्स थे, ऐसे ही है ना। उन स्टैंडर्ड 20 अमीनो एसिड्स में से 10 अमीनो एसिड्स एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और 10 ही नॉन एसेंशियल होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही हमें हर हाल में चाहिए होते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, वो हमारी बॉडी के अंदर बनते ही नहीं है, बल्कि हमें उनको डाइट के थ्रू लाजमी तौर पर लेना पड़ता है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स को हमें अपनी डाइट के थ्रू यानी कि जो हम खाते हैं उसमें हमें उन अमीनो एसिड्स को लाजमी लेना पड़ता है, वो होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, वो वाले तमाम अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती बाय एन एनाबॉलिक पाथवे एंड देयरफॉर नीड टू बी सप्लाइड टू द बॉडी थ्रू द डाइट। तो इसलिए जरूरत होती है कि बॉडी को उन अमीनो एसिड्स को सप्लाई किया जाए थ्रू डाइट, कि डाइट के थ्रू बॉडी में वो अमीनो एसिड्स डाले जाएं। ये वाले अमीनो एसिड्स कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं हमें? ये होते हैं आर इन मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ये हमें मीट से, गोश्त से, चिकन, बीफ, मटन, फिश, श्रिम्स और क्रैब्स और इन सारी चीजों से ये हमें मिलते हैं, जिस भी तरह का मीट हो उससे, एंड फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स यानी के दूध वाली प्रोडक्ट से, दूध, दही, मिल्क, योगर्ट, कैफीर, इन सारी चीजों से हमें ये वाले एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? दे आर टोटल 10। कौन कौन से हैं? इनको हम इस तरह याद रखते हैं, पीवीटी टिम हॉल। कैसे याद रखना है इसको? पीवीटी टिम हॉल। पीवीटी में कौन से हैं? फिनाइल एलानिन, वैलिन एंड थ्रूनिन। टिम में कौन से हैं? ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन। हॉल में कौन से हैं? हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। तो ये जो 10 अमीनो एसिड्स हैं, ये 10 अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये हमारी बॉडी के अंदर खुद बहुत प्रोड्यूस नहीं हो सकते, इनको हमें लाजमी तौर पे अपनी डाइट के अंदर लेना पड़ता है। तो इनको लेने के लिए हमें कौन सी डाइट खानी चाहिए? हमें मीट खाना चाहिए और हमें डेयरी प्रोडक्ट्स खाने चाहिए। इनको याद करने की निमोनिक है एक, और वो क्या है? पीवीटी टिम हॉल। पीवीटी नहीं तो आप इसको पीटीवी भी पढ़ सकते हो, पी टी बाद में, टी पहले कर लो और वी बाद में कर लो। तो टी से क्या है? थ्रियोनिन, और वी से क्या है? वैलिन। पीटीवी टिम हॉल, तो फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, वैलिन, सबका पहला पहला अल्फाबेट यूज कर रहे हैं एब्रीवेशन में। पीटीवी टिम हॉल, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, वैलिन। टिम में ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन। हॉल में हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। क्लियर? किसी का कोई इशू यहाँ तक? नो मैम। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट। ओके, एसेंशियल, अब आगे बताया जा रहा है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड में सबसे पहले हिस्टिडीन। तो हिस्टिडीन का मेन फूड सोर्स क्या है? एग्स, सोया प्रोटीन, पार्मेसन, सीसम एंड पीनट्स। पार्मेसन क्या होता है? धनिया की एक किस्म है पार्मेसन। इस तरह सीसम है और पीनट्स सीसम सीड्स भी होते हैं। मैम ये वो वाली है ना जो धनिया के साथ ही उगती है? धनिया थोड़ा वो उसका पत्ता जो है वो चौड़ा होता है, लेकिन ये बारीक बारीक सी होती है, तिनका तिनका की तरह से। यस, ये बारीक बारीक होती है, पर मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये धनिया के साथ ही उगती है या नहीं, पर मुझे ये पता है कि ये धनिया की तरह की एक शब्द है, हर्ब्स हैं, ये हर्ब्स हैं बेसिकली, और इनका जो पार्मेसन का टेस्ट है वो धनिया से थोड़ा लाइट होता है। धनिया का टेस्ट बहुत स्ट्रांग होता है, इसका टेस्ट थोड़ा लाइट होता है, पार्मेसन का टेस्ट, ठीक है? पर मुझे ये कंफर्म नहीं है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि ये उसके साथ ही उगती है या नहीं। इस तरह सीसम ऑयल भी होता है, सीसम का मुझे उर्दू में नहीं पता क्या कहते हैं, पर सीसम ऑयल भी होता है, सीसम सीड्स भी होते हैं। सीसम तिल है शायद, मेरा ख्याल। यस मैम, तिल ही है। तिल ही है, ठीक है, इसको एक बार हम सर्च भी कर लेते हैं। ठहरे, मैं इंटरनेट पे अभी से सर्च करती हूँ। व्हाट आर सीसम, सीसम को उर्दू में क्या कहते हैं? So, sesames are, yes, they are till, जो हम
उसमें बहुत ज्यादा खाते हैं खास तौर पे, किसमें डालते हैं हम तेलों? सर्दियों में मैम, सर्दियों में बहुत, यस सर्दियों में हम इनको यूटिलाइज करते हैं फॉर मैम ये हमारी मतलब ये बॉडी को ना गर्म रखता है अंदर से। यस बॉडी को गर्म रखता है, तो हम जो सर्दियों में सर्दियों की जो सौगातें हैं जो सर्दियों में हम बनाते हैं, गचक और इस तरह की जो टॉफीज होती हैं और पिनियां बनती हैं चावलों की पिनियां और पता नहीं किस किस की पिनियां बनती हैं, तो उनमें भी तिलों को ऐड किया जाता है उसमें। और पीनट्स का तो सबको पता है क्या होती है, मूंगफली होती है, और सोया का भी सबको पता है कि सोया वो भी होता है सोयाबीन से सोया प्रोटीन। तो इन सारी चीजों से हमें हिस्टिडीन मिलता है। आइसोल्यूसिन हमें कहाँ से मिलता है? आइसोल्यूसिन भी हमें एग्स से मिलता है, सोया प्रोटीन से मिलता है। टोफू, टोफू एक पनीर की टाइप है, व्हाइट फिश से मिलता है। पोर्क, आपको पता है सबको पोर्क क्या होता है, और पार्मेसन, पार्मेसन फिर वही धनिया की किस्म है, इससे इससे हमें आइसोल्यूसिन भी मिलता है। नेक्स्ट ल्यूसीन, ल्यूसीन किससे हमें मिलता है? एग्स से मिलता है, सोया प्रोटीन से मिलता है, व्हाइट फिश से मिलता है, पार्मेसन से मिलता है, और सीसम से मिलता है। तकरीबन तकरीबन ये सारी चीजें, सारी चीजों से हमें ये सारे सारे मिल रहे हैं। फिनाइल एलानिन, फिनाइल ये यहाँ पे मिसप्लेस मिस राइटिंग हुई है, एटानिन लिखा हुआ है, एटानिन एलान, फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन हमें कहाँ से मिलता है? एग्स से मिलता है, सोया प्रोटीन से मिलता है, पीनट से मिलता है, सीसम से मिलता है, व्हाइट फिश से मिलता है। थ्रियोनिन हमें किससे मिलता है? थ्रोनीन हमें एग्स से मिलता है, सोया प्रोटीन से मिलता है, व्हाइट फिश से मिलता है, स्मेल्ट से मिलता है, और सीसम से मिलता है। व्हाट इज स्मेल्ट? स्मेल्ट का किस पॉइंट है? यस यस स्मेल्ट को सर्च करते हैं, व्हाट आर स्मेल्ट। मुझे लगता है ये मिस प्रिंटिंग हुई है। नो, स्मेल्ट आर अ फैमिली ऑफ स्मॉल फिश, ये स्मॉल फिश की एक फैमिली है, found in the North Atlantic and North Pacific Oceans. कहाँ पे पाई जाती है? North Atlantic और North Pacific Oceans में पाई जाती है, as well as rivers, rivers में, streams में, और lakes में भी होती है, क्योंकि ये छोटी सी fish है। और इस fish से भी हमें क्या मिलता है? हमें इसे thrunine मिलता है। नेक्स्ट है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन कहाँ से मिलता है? एग से मिलता है, सोया प्रोटीन से मिलता है, सीसम से मिलता है, विंग्ड बीन्स से मिलता है, बीन्स ये जो फलियां जितनी भी होती हैं उनसे मिलता है, और चिया सीड्स। चिया सीड्स कौन से होते हैं? जो तुख्म मलंगा का पता है आप लोगों को, ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं। यस तुख्म मलंगा, वो ब्लैक ब्लैक सीड्स जो गर्मियों में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये ठंडे होते हैं, इनकी तासीर ठंडी होती है, तो घर में अम्मी दादी नानी आपको बहुत ज्यादा शक्कर में मिक्स करके, शक्कर के पानी में मिक्स करके, या दूध में भी इवन डाल के आपको देते हैं, क्योंकि इनकी तासीर ठंडी होती है। नेक्स्ट है वेलिन। वेलिन क्या हो, वेलिन कहाँ से हमें मिलता है? एग्स से, सोया प्रोटीन से, पार्मेसन से, सीसम से, और बीफ से। बीफ यानी कि बड़ा गोश्त जिसमें काओ और बफलो का गोश्त उसका मीट आ जाता है। नेक्स्ट है आर्जिनिन। आर्जिनिन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? आर्जिनिन थोड़ा डिफरेंट है, ये हमें रेड मीट से मिलता है। अभी हमने व्हाइट फिश का बात, व्हाइट फिश की बात की थी, तो व्हाइट फिश क्या है? व्हाइट फिश उसको कहते हैं जिसका बाहर से रंग व्हाइट होता है। नो मैम, नो मैम, चिकन नहीं, चिकन ही गोश्त व्हाइट होता होगा। यस, तो जैसे हम चिकन को व्हाइट मीट कहते हैं, चिकन को व्हाइट मीट क्यों कहते हैं? क्योंकि चिकन जब पक जाता है तो वो व्हाइट हो जाता है, आपने अक्सर देखा होगा फ्राई वगैरह करते हैं वो व्हाइट हो जाता है, तो इसी तरह व्हाइट फिश होती है कि वो जब उसको फ्राई करते हैं या उसको पकाएं, जब भी कुक करें तो वो व्हाइट कलर की हो जाती है। कुछ फिशेज ऐसी होती है जो व्हाइट कलर की नहीं होती, यानी कि पक्के वो व्हाइट नहीं होती, वो रेड रेड सी होती है, वो उनमें आती है कैट फिश वगैरह, अगर आप लोगों ने कभी खाई हो, और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है कैट फिश का। अच्छा चले उसको छोड़े, नेक्स्ट आ जाता है आर्जिनिन। आर्जिनिन हमें रेड मीट से मिलता है, तो रेड मीट में चिकन के अलावा सारे मीट ही आ जाते हैं, तकरीबन फिश भी नहीं आती, कुछ कुछ फिशेज आती हैं, बाकी फिश नहीं आती। तो रेड मीट में हमारे पास मटन आ जाता है, बीफ आ जाता है, और कुछ एक दो फिश आ जाती है। पोल्ट्री, पोल्ट्री से भी हमें आर्जिनिन मिलता है, पोल्ट्री में चिकन आ ही जाता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हर किस्म का मीट होता है, फिर हमें हर किस्म के मीट से आर्जिनिन मिल जाता है। फिश से भी मिलता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी के दूध दही कैफिर वगैरह से भी हमें मिलता है। यस मैम। नेक्स्ट है लाइसिन। लाइसिन हमें कहाँ से मिलता है? एग्स, सोया प्रोटीन, व्हाइट फिश, पार्मेसन एंड स्मेल से मिलता है। मेथियोनिन हमें कहाँ से मिलता है? एग्स, सोया प्रोटीन, व्हाइट फिश, सीसम एंड स्मेल से मिलता है। तो सारी चीजें तकरीबन तकरीबन हमें एग्स से, सोया प्रोटीन से,
पार्मिजन से, सीसम से और स्मेल से और पीनट से मिल रही हैं। एक दो जगह पे चीज आया है जहाँ पे चिया सीड्स आया है और रेड मीट आया है, ठीक है। बाकी तकरीबन हमें इन चीजों से ये सारे के सारे वाइटामिन मिल जाते हैं। तो अगर आप एग्स खा लें तो एग्स ये देखें, सारे एग्स में सारे इजेंशियल वाइटामिन, सारे इजेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं सिवाय आर्जिनिन के। तो आर्जिनिन हासिल करने के लिए हम पोल्ट्री खाते ही रहते हैं, चिकन खाते हैं ना हम, पोल्ट्री खाते रहते हैं तो रेड मीट भी हम खाते रहते हैं, तो उससे भी हमें मिल जाता है। तो अगर हम अपनी लाइफ में, अपनी डेली की डाइट में एग्स को रखें शामिल, तो हमें कभी भी इन अमाइनो एसिड्स की कमी नहीं होगी। क्लियर, क्लियर हुआ सबको? यस मैम। चले जी, चले, ओके ओके। यस मैम। नेक्स्ट इज वेलिन। वेलिन हमें कहाँ से मिलता है? सॉरी, ये उनके फंक्शंस हैं। वेलिन का फंक्शन क्या है? प्रिवेंट्स द ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स। वेलिन क्या करता है कि वेलिन हमारी बॉडी में मसल्स को ब्रेक डाउन होने से बचाता है, मसल को टूटने फूटने से बचाता है। ल्यूसीन का क्या काम है? ल्यूसीन हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड शुगर एंड द रिकवरी ऑफ मसल एंड बोन टिश्यू। ल्यूसीन हमारी बॉडी में हेल्प करता है ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में एंड रिकवरी ऑफ मसल एंड बोन टिश्यू, और मसल और बोन टिश्यू की रिकवरी में, उसको बनाने में। अगर somehow खुदा ना खास्ता कोई चोट वगैरह लग गई तो वहां पे मसल थोड़ा बहुत डिटेरियोरेट हो जाता है, तो उस मसल को, उस बोन टिश्यू को दोबारा से रिकवर करने के लिए भी ल्यूसीन चाहिए होता है। बेटा अपना माइक्स ऑफ, अपने अपने माइक्स ऑफ कर लें। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी बेटा बोले। मैम नहीं, ये मतलब लेक्चर से रेलेवेंट नहीं, वैसे ये मैम जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको खुदा ना खासा कोई कट वगैरह लग जाए या कोई इंजरी वगैरह हो जाए, मैम उनकी जल्दी हीलिंग क्यों नहीं होती है? इसका बहुत स्पेसिफिक आंसर तो फिजिशियन ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, पर बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मुझे जितनी नॉलेज है उसमें ये है कि जब डायबिटीज जो है ना, ये मेटाबॉलिक डिजीज है। ये कौन सी डिजीज है? मेटाबॉलिक डिजीज है। मेटाबॉलिक डिजीजेज ऐसी डिजीजेज को कहते हैं जिसमें आपके अंदर के दो तरह के होते हैं मेटाबॉलिज्म। नहीं, मेटाबॉलिज्म एक तरह का होता है, मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती है, एक होता है चीजों को तोड़ना, एक होता है चीजों को बनाना। तो जैसे हम फूड खाते हैं तो उसको हमारे अंदर तोड़ा जाता है, वो भी मेटाबॉलिज्म है, वो कैटाबॉलिज्म कहलाती है। और जो चीजें हमारे अंदर छोटी छोटी प्रेजेंट हैं, उन चीजों को जोड़ के उनको बड़ा एक मॉलिक्यूल बनाना, वो एनाबॉलिज्म कहलाता है। तो चीजों को तोड़ना और चीजों को जोड़ना, जोड़ के कुछ और बनाना, ये दोनों काम ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं। मेटाबॉलिज्म कहते हैं इसको ओवरऑल, यानी कि टूटने फूटने का सारा अमल और नई चीजों को बनाने का सारा अमल। तो जो डायबिटीज है ना, ये मेटाबॉलिक डिजीज है। मेटाबॉलिक डिजीज है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे अंदर के टूटने फूटने का जो अमल है और जो हमारे अंदर नई चीजों को बनाने का अमल है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो डिस्टर्ब हो गया तो आप देखें कि हमारे अंदर बहुत सारी चीजों को तोड़ा जाता है और बहुत सारी चीजों को नया बनाया जाता है। तो अब आपको नहीं पता कि डायबिटीज किस चीज पे इफेक्ट डाल दे। वो हो सकता है कि आपके टूटने फूटने के अमल को खराब कर दे, या आपके नई चीजों के बनाने को, अमल को खराब कर दे। तो जो मेटाबॉलिक डिजीजेज होती है ना, वो सिंपल डिजीजेज नहीं होती, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेज होती हैं कि ये आपके पूरे के पूरे सिस्टम को, आपके पूरे के पूरे बॉडी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती हैं, आपके पूरे के पूरे बॉडी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो उससे ऐसा होता है, ऐसा कुछ बॉडी में कि अगर कोई कट्स लग जाएं तो वो कट्स जो हैं वो जल्दी से हील नहीं हो पाते, वो जख्म जल्दी से हील नहीं हो पाते, क्योंकि वहां पे आपकी ब्लड में शुगर का लेवल भी ज्यादा होता है, ठीक है। शुगर का लेवल ज्यादा है, उसकी वजह से जहाँ पे ज्यादा शुगर प्रेजेंट होती है, तो ये बात याद रखें, वहां पे बैक्टीरिया को हमला करना, बैक्टीरिया का अटैक करना उतना ज्यादा इजी हो जाता है। तो उस साइड पे बैक्टीरिया आके फौरन से अटैक करते हैं, क्योंकि उनको एक न्यूट्रिशियस एनवायरनमेंट मिल रहा होता है, ब्लड एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है बैक्टीरिया को ग्रो करने का, और ऊपर से उसने सोने पर सोचा ये कि उस ब्लड में ग्लूकोज भी ज्यादा है, यानी कि शुगर है ना, तो ग्लूकोज भी ज्यादा है,
तो ग्लूकोज भी ज्यादा है, तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, तो इस वजह से उस जख्म को, उस कट को या उस चोट को हील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो डायबिटीज होती है वो इंसान के अपने अंदर के इम्यून सिस्टम को भी वीक कर देती है, जो हमारा मुदाफती निज़ाम होता है उसको भी वीक कर देती है। तो अंदर से हीलिंग होती नहीं है, बाहर से बैक्टीरियाज हीलिंग होने नहीं देते, तो इस वजह से वो जो जख्म है वो मजीद बिगड़ता जाता है। डायबिटीज, डायबिटिक पेशेंट्स का वो हील नहीं होता। इवन यहाँ तक मैंने देखा है और सुना है कि उनकी एम्प्यूटेशन करनी पड़ जाती है। एम्प्यूटेशन का मतलब कि उनके उस अज़ा को काटना पड़ जाता है, फोर्सफुल अगर उनके टांग पे जख्म हो गया है तो खुदा ना खास्ता उनकी टांग या उनका पाँव काटना पड़ जाता है, उनकी फिंगर, उनके थम्स काटने पड़ जाते हैं। तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि एक मेटाबॉलिक डिजीज है जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी सिस्टम को अफेक्ट कर देती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, हमारा हीलिंग सिस्टम खराब हो जाता है, हमारा सब कुछ खराब हो जाता है। तो डायबिटीज इसी वजह से, एक तो मोटापा ओबेसिटी और एक डायबिटीज, इनको बीमारियों की जड़ कहा जाता है कि सारी बीमारियों की जड़ ये दोनों है, मोटापा एंड डायबिटीज, ओबेसिटी एंड डायबिटीज। और अगर अगर मोटापा नहीं होगा तो डायबिटीज होने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। जिनमें मोटापा होता है उनमें डायबिटीज के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज इज मोर देन द स्लिम पर्सन या नॉर्मल पर्सन। तो मेरा ख्याल है आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यस मैम, ओके मैम, वेलकम। सो चलें जी, वेलिन पे आते हैं। वेलिन का फंक्शन है कि वो ब्रेकडाउन, मसल्स की ब्रेकडाउन को बचाता है, मसल्स की ब्रेकडाउन होने नहीं देता। इस तरह ल्यूसीन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है और हमारे मसल्स और बोन के जो टिश्यूज हैं उनको रिकवर करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आइसोल्यूसीन, ये क्या करता है? हेल्प्स टू हील मसल टिश्यू, ये हमारे मसल के टिश्यू को हील करने का काम करता है, हील करने में मदद देता है। फिनाइल एलानिन, अच्छा अब यहाँ पे हम जो इनके फंक्शंस पढ़े हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सोलली आइसोल्यूसीन की वजह से पूरे का पूरा मसल हील होगा, नहीं ये मतलब नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें इन इन कामों में भी इन्वॉल्व हैं। हीलिंग में और भी चीजें चाहिए, हीलिंग के दौरान और भी प्रोटीन और भी जिस्म को चीजें चाहिए। हाँ जी, अजान हो रही है। अच्छा मेरी तरफ नहीं हो रही, चले ठीक है, पहले अजान सुन लें। दो मिनट का पॉज देते हैं, अगर अजान खत्म हो जाए तो बेटा आप मुझे बता दें, क्योंकि मेरी तरफ अभी अजानें नहीं हो रही, या अगर हो रही हैं तो मैं बिल्कुल रूम बंद में बैठी हूँ तो मुझे आवाज नहीं आ रही। ओके, सो आप लोगों ने अजान की दुआ पढ़ ली है।
चलें वापस आ जाते हैं। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि ये वाले जो फंक्शंस हैं ये सोलली सिर्फ ये अमाइनो एसिड्स नहीं कर रहे, ये अमाइनो एसिड्स हेल्प कर रहे हैं और इनके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, फिर जाके पूरा फंक्शन होता है, फिर जाके ब्लड शुगर रेगुलेट होती है। ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए हमें पता है मेजर इंसुलिन रेगुलेट करता है, पर इंसुलिन की हेल्प कौन कर रहा है? लियोसिन कर रहा है। इसी तरह और भी काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन क्या करता है? प्रिकर्सर फॉर टायरोसिन है। ये टायरोसिन को बनाने के लिए प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर मतलब बिल्कुल उस तरह जैसे हमने बिरयानी बनानी है, तो बिरयानी बनाने के लिए हमें पीछे प्रिकर्सर्स क्या क्या चाहिए? हमें राइस चाहिए रॉ मटेरियल्स में, तो रॉ मटेरियल है ये। हमें रॉ मटेरियल में राइस चाहिए, हमें चिकन चाहिए अगर हमने चिकन बिरयानी बनानी है, अगर हमें बीफ बिरयानी बनानी है तो हमें बीफ चाहिए, व्हाट एवर द मीट, हमें वो मीट चाहिए। हमें तमाम मसाला जात स्पाइसेस चाहिए, हमें सॉल्ट चाहिए, हमें वाटर चाहिए उसको कुक करने के लिए, हमें क्या चाहिए, हमें यूटेंसिल्स चाहिए, बर्तन चाहिए जिसमें हमने कुक करना है, और हमें क्या चाहिए, हमें आग चाहिए, हमें सुई गैस या ईंधन कोई भी हमें वो चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए किस लिए? बिरयानी बनाने के लिए। इसके साथ साथ और भी बाकी सारी चीजें, अनियन चाहिए हमें, लहसुन अदरक चाहिए, गार्लिक जिंजर पेस्ट है, हमें टोमेटो चाहिए, सोन, तो वो सारे इसके क्या थे? रॉ मटेरियल थे बिरयानी के। इसी तरह टायरोसिन का रॉ मटेरियल है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बनता है, एंड अदर अमाइनो एसिड है, और टायरोसिन का हमें पता है एक और अमाइनो एसिड है। एंड दी न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन। डोपामीन एक हमारे अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो हमारे नर्व्स के अंदर हमारे न्यूरोन सेल्स के दरमियान एक केमिकल होता है। ये केमिकल क्या करता है? इंफॉर्मेशन को पास करता है फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन टू द माइंड टू द ब्रेन एंड रिटर्न बैक टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू द रिसेप्टर। तो सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन, जैसे अगर खुदा ना खास्ता हमारे कोई कट लग गया या अगर सुई चुभी है मेरी फिंगर पे, तो मैं अपनी फिंगर को फौरन से पीछे करती हूँ। तो ये जो फौरन से मैंने पीछे किया, ये कैसे मैंने पीछे किया? जैसे ही सुई चुभी तो फिंगर मेरी क्या थी? सेंसरी ऑर्गन थी, सेंस किया फिंगर ने। यहाँ से फौरन नर्व इम्पल्स जो इंफॉर्मेशन है वो नर्व इम्पल्स की सूरत में न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स इन केमिकल्स से होती हुई मेरे ब्रेन तक पहुंची। ब्रेन ने फौरन से इस इंफॉर्मेशन को इस इंफॉर्मेशन पे वर्क किया और वर्क करके फौरन से वापस इंफॉर्मेशन भेजी कि अपना हाथ जल्दी से पीछे हटाओ। तो हाथ मेरा साइमल्टेनियसली फौरन खुद ब खुद पीछे हो गया, हालांकि इसमें इरादतन मैंने कुछ भी नहीं किया। ये देखें, ऐसे सेकंड्स का काम था, सेकंड्स भी नहीं लगते, नैनो सेकंड्स लगते हैं, इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाई जाती है और ब्रेन से वापस हमारे रिसेप्टर्स या इफेक्टर्स तक पहुंचाई जाती है और फौरन से उसको अमल दरामद करवाया जाता है।
स्टूडेंट्स सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मेरा इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया था. तो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है. यस मैम. ओके सो हम स्टार्ट करें. कहाँ पे मेरी आवाज बंद हुई थी आना आप लोगों को? मैम आप उनका बता रही थी वो लास्ट टाइम लेट वगैरह थे. किसका? मैम मेरा भी पेज बंद हो गया, मैं एक सेकंड देख के साथ. ओके मैंने क्या बता रही थी मैं लास्ट टाइम पे, ताकि मैं वहां से दोबारा स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे लगता है मैं काफी कुछ आगे बोल गई हूं. और मुझे फिर मैंने आप लोगों से पूछा कि स्टूडेंट्स आप लोग आप समझ आ गई है, तो कोई भी नहीं आगे से बोला. मैंने पूछा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, कोई भी नहीं बोला. फिर मुझे शक पड़ा, फिर मैंने पीछे जाकर देखा तो वो गूगल मीट से ही मैं बाहर निकल चुकी हुई थी. मैम आप लाइजिन की उसकी बताई थी कि हार्मोनल मतलब रिकवरी के लिए उसके लिए होता है हार्मोन और उसकी. ओके सो मैंने ल्यूसीन का बताया कि ल्यूसीन जो है वो ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में और हमारे मसल्स को रिकवर और बोन टिश्यू को रिकवर करने में यूज होता है. फिर हमने आइसोल्यूसीन की बात की कि आइसोल्यूसीन का काम क्या है. ये हमारे मसल टिश्यूज को हील करने का काम करता है, कि हमारे मसल टिश्यूज इससे हील होते हैं. हील होने में ये हेल्पफुल होता है. इसका ये मतलब नहीं है कि सोलली सिर्फ इसी अमीनो एसिड की वजह से हमारी सारी हीलिंग होती है. नहीं, इसका मतलब है कि हेल्पफुल होता है. इसके साथ साथ और भी बहुत सारे चीजें इन्वॉल्व होती हैं हीलिंग में, और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में. ओके नेक्स्ट इज फिनाइल एलानिन. तो फिनाइल एलानिन क्या है? फिनाइल एलानिन रॉ मटीरियल के तौर पर काम करता है कुछ चीजों को बनाने में. किन को बनाने में? टायरोसिन को बनाने में. टायरोसिन क्या है? एक अमाइनो एसिड है. एंड द न्यूरो ट्रांसमीटर्स डोपामीन, डोपामीन को बनाने में. एंड एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन को बनाने में. एंड मेलानिन, मेलानिन को बनाने में. अब सबसे पहले आ जाते हैं टायरोसिन पे. टायरोसिन का तो हमें पता ही है कि ये क्या है, ये एक अमाइनो एसिड है. उसके बाद आ जाते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स डोपामीन. न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और हमारी बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारी नर्व्स जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं. ये ऐसे केमिकल्स हैं जो इंफॉर्मेशन को हमारे सेंसरी ऑर्गन से लेके ब्रेन तक और ब्रेन से वापस इफेक्टर तक लेकर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं चोट लगे या मेरी फिंगर पे अगर सुई चुभ जाए, तो मैं अपनी फिंगर फौरन पीछे हटाती हूँ. तो वो फिंगर मैंने अपने पीछे कैसे हटाई, मैंने अपना हाथ पीछे कैसे हटाया? वो बेसिकली ऐसे हटाया कि जैसे ही मुझे सुई चुभी या कोई और कोई खुदा ना खासा चोट लगती है, तो वहां पर क्या होता है कि सुई चुभने से फौरन मेरी फिंगर ने इसको सेंस किया कि ये कुछ हार्मफुल चीज है, और उसने सेंस करके फौरन से सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाया. ब्रेन तक पहुंचाने में न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि ये जो केमिकल्स हैं वो, और नर्व्स न्यूरॉन्स यानी कि वो दोनों काम करते हैं, और ये पूरी नर्व इंपल्स को, पूरी सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाते हैं. ब्रेन तक ले गए तो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन पे वर्क करता है, फौरन से वापस इंफॉर्मेशन भेजता है. वापस इंफॉर्मेशन भेजने के लिए दोबारा से न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरॉन्स के ऊपर से इंफॉर्मेशन गुजरती है, गुजर के वापस इफेक्टर तक हमारे हाथ तक आती है. और हाथ को कहा जाता है कि फौरन से पीछे हो जाओ, तो हाथ फौरन से पीछे हटा लिया जाता है. तो ये जो फौरन फौरन से काम हुआ है, सेंसरी इंफॉर्मेशन गई भी ब्रेन तक और ब्रेन से वापस भी आई, तो ब्रेन तक ले जाने में और वापस लाने में न्यूरोट्रांसमीटर्स अपना रोल प्ले करते हैं. तो ये वाले जो केमिकल्स हैं, और इनमें से एक केमिकल है डोपामीन, ये डोपामीन फिनाइल एलानिन से बनता है. उसके बाद एपिनेफ्रीन, ये भी एक हार्मोन है, ये हार्मोन भी फिनाइल एलानिन से बनाया जाता है. और फिर एंड पे हमारे पास मेलानिन. मेलानिन क्या है? स्किन पिगमेंटिंग कंपाउंड है, स्किन पिगमेंटिंग एक मॉलिक्यूल है. ये कैसा मॉलिक्यूल है कि जिसमें जितना ज्यादा होता है उसकी स्किन का कलर उतना ज्यादा डार्क होता जाता है. इसी वजह से अफ्रीकन्स जो होते हैं उनका कलर बहुत ज्यादा डार्क होता है, क्योंकि उनमें मेलानिन कंपाउंड बहुत ज्यादा होता है. और जो अंग्रेज हैं, गोरे हैं, जो यूरोपियंस हैं जिनको हम अंग्रेज कहते हैं, गोरे कहते हैं, उनमें मेलानिन कंपाउंड बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है, इसलिए वो इतने गोरे होते हैं, उनमें कलर नहीं होता.
उनमें कोई कलर नहीं होता, वो कलर लेस होते हैं बेसिकली। तो जिनमें मेलानिन होता है उनके स्किन का कलर डार्क होता जाता, जितना ज्यादा मेलानिन होगा उतना स्किन का कलर डार्क होता जाएगा। तो जो मेलानिन है ये सिर्फ स्किन को पिगमेंट करने का काम नहीं करता, ये सिर्फ स्किन को डार्क बनाने का काम नहीं करता, ये इसके साथ साथ हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जिसमें जितना ज्यादा मेलानिन होता है वो उसमें उतना ज्यादा क्वालिटीज होती हैं। वो कौन सी क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज होती है कि जो मेलानिन है ये सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब होने नहीं देता हमारी स्किन के अंदर। तो ये प्रिवेंट करता है कि हमारी स्किन के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज पेनिट्रेट ना कर जाएं। तो जब ये हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगी तो हमें कैंसर और स्किन कैंसर और आंखों की बीमारियां नहीं होती। यही वजह है कि जो अंग्रेज है वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो हीट में वो सन में नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि उन लोगों को स्किन कैंसर बहुत जल्दी हो जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अंग्रेजों को स्किन की और आंखों की बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। वो लोग सनलाइट में नहीं बैठ सकते क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज उनके अंदर से पेनिट्रेट कर जाती है मेलानिन ना होने की वजह से, और उसका उनको नुकसान पहुंचता है कि उनको स्किन कैंसर हो जाता है या आंखों की बीमारियां हो जाती हैं अगर आंखों के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज चली जाए तो, स्किन की सन की अल्ट्रावायलेट रेज चली जाए। तो ये जो मेलानिन कंपाउंड बनता है ये भी किससे बनता है? फिनाइल एलानिन से बनता है। क्लियर? यस मैम। सबको समझ लग गई? यस मैम। सो नेक्स्ट इज ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन का काम क्या है? ये प्रिकर्सर है टू सीरोटोनिन। ये सीरोटोनिन का प्रिकर्सर है, सीरोटोनिन को बनाता है। प्रिकर्सर का मतलब रॉ मटेरियल। तो ये प्रिकर्सर है किसका? रॉ मटेरियल है किसका? सीरोटोनिन का। सीरोटोनिन क्या है? ये भी एक हार्मोन है। ये हार्मोन कौन सा हार्मोन है? मूड एंड एपिटाइट का। ये हमारे मूड को फ्लक्चुएट करता है और एपिटाइट को कंट्रोल करता है। ये ऐसा हार्मोन है जो हमारी भूख को कंट्रोल करता है, हमारे मूड को कंट्रोल करता है। कभी हमारा मूड खुश है, कभी थका हुए हैं हम, तो ये सारा जितने भी हमारी मूड फ्लक्चुएशन होती है वो सीरोटोनिन की वजह से होती है। एंड मेलाटोनिन। और ये जो ट्रिप्टोफैन है ये मेलाटोनिन का भी प्रिकर्सर है। मेलाटोनिन क्या करता है? स्लीप एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेशन करता है। हमारा स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। हमें नींद आना ये किसकी वजह से होता है? मेलाटोनिन की वजह से होता है। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है लाइसिन। हेल्प्स टू बिल्ड मसल। लाइसिन का फंक्शन क्या है कि ये मदद करता है मसल्स को बनाने में। एड्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्पफुल होता है कि जिसम में हड्डियों में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो। एंड द क्रिएशन ऑफ एंटीबॉडीज और जो मुदाफती निज़ाम के लिए एंटीबॉडीज हमारे अंदर बनती हैं उनको बनाना, उनको क्रिएट करने का काम करता है, उनको बनाता है। नेक्स्ट है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ हिस्टामिन। ये हिस्टामिन का प्रिकर्सर है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके मैम आ रही है। तो ये एंजाइम ये अमीनो एसिड क्या करता है? हिस्टिडीन कि ये प्रिकर्सर है यानी कि रॉ मटेरियल है किसका? हिस्टामिन का। रॉ मटेरियल की समझ लग गई आप लोगों को क्या होता है? रॉ मटेरियल ऐसे होता है बेसिकली अगर मैं बिरयानी बनाना चाह रही हूँ तो मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या क्या होंगे बिरयानी के? अनियन थी। यस उसके सारे इंग्रेडिएंट्स। ठीक है ठीक है, मुझे लगा कि उस वक्त शायद आवाज बंद हो गई थी तो आप लोगों को ना पता चला। तो प्रिकर्सर क्या है? मैं आर्जिनिन से पढ़ा रही थी बेटा। नहीं मैं हिस्टिडीन पे हूँ अभी, अभी आगे नहीं गए। ओके मैम। वो पहले आप पिछली स्लाइड को देख रही हैं, पिछली स्लाइड में वो हम सोर्सेज देख रहे थे। अब हम सोर्सेज नहीं, अब हम फंक्शंस पे आ चुके हैं। फंक्शंस पे अब हमारे आधे कंप्लीट हो गए हैं। तो हिस्टिडीन का फंक्शन क्या है कि वो हिस्टामिन को बनाता है। रॉ मटेरियल है यानी कि इंग्रेडिएंट है, बनाना है अगर हिस्टामिन बनाना है तो उसके लिए हमें हिस्टिडीन चाहिए। Which causes inflammation in immune response. और हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है अगेंस्ट एनी इम्यून रिस्पॉन्स।
किसी मुदाफती निज़ाम किसी मुदाफती रिस्पॉन्स के नतीजे में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्ने की एग्जांपल ले लें, जिन लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम रहती है लाइक मी, मेरे तरह के लोग, कि अगर एक्ने हो गई है, पिंपल जो निकला है उस पिंपल में आपने देखा होगा समटाइम्स पस पड़ जाती है, यानी कि येलो येलोइश सा मटीरियल उसमें पड़ जाता है, उसमें आ जाता है, उसको कहते हैं पस। वो पस कैसे पड़ती है, वो बेसिकली वहां पे क्या हुआ होता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हुई होती है, एक्ने जो है बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाती है। तो बैक्टीरिया वहां पे जब अटैक करता है तो स्किन और बॉडी का अपना जो मुदाफती निज़ाम है वो आके वहां पे काउंटरैक्ट करने की कोशिश करता है, उस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करता है, तो उसके नतीजे में हमारा एक इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो जगह सूज जाती है, इसलिए हमारा वो जो एरिया है, वो जो पिंपल वाला एरिया, वो ऐसे बम्प बन जाता है वहां पे, ऐसे उभरा हुआ सा गंदा सा, आप लोग समझ सकते हैं, वो एक्ने उभरी हुई सी, वो दाना सा बन जाता है। तो वो बेसिकली वो इन्फ्लेमेशन का नतीजा होता है, और वो इन्फ्लेमेशन किस वजह से होती है, वो हिस्टामिन की वजह से होती है। ये जो हमारी सोजिश हो जाती है या जो पस पड़ जाती है वो हिस्टामिन की वजह से पड़ती है। नेक्स्ट है मैथ्यूनिन। मैथ्यूनिन क्या करता है, एड्स विद द ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। ये एड करता है, मदद फ्राहम करता है किसमें, नई ब्लड वेसल्स को ग्रो करने में, नई ब्लड वेसल्स को बनाने में, उनकी ग्रोथ में। नेक्स्ट है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन क्या करता है, एड्स इन द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज, नई एंटीबॉडीज को बनाने में हेल्पफुल होता है, एंड हेल्प सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ इन एनिमल। और ये हमारे जो स्पोर्ट सिस्टम है, जो हमारे बोन्स है उनको स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज आर्जिनिन। सॉरी, आर्जिनिन क्या करता है, आर्जिनिन रोल इन सेल डिवीजन। आर्जिनिन का रोल है कि ये सेल डिवीजन में टेक पार्ट करता है, इसका रोल प्ले करता है किसमें, सेल डिवीजन में। हमारे सेल्स डिवाइड करते हैं, आप लोगों को पता है, अगर फोर्सफुल हमारे कहीं पे कट लग जाए स्किन पे, तो दो चार दिनों के बाद वो स्किन हील हो जाती है, और दो चार दिनों के बाद वो निशान भी खत्म हुआ हुआ होता है, बिल्कुल वहां पे नई स्किन दोबारा ऐसे पहली स्किन की तरह की बनी हुई होती है। तो वो जो नई स्किन बनती है वो बेसिकली कैसे बनती है, पिछली स्किन के सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड करते हैं, वो नए सेल्स बनाते हैं, डिविजन से नए सेल्स बनते हैं, तो वो नए सेल्स वहां पे जमा हो जाते हैं और हमारे पास वहां पे नई स्किन बन जाती है। तो इसलिए ये सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है, वूंड हीलिंग में, जिसके मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दे दिए कि वूंड्स जो लग जाते हैं, जो कट्स या जो जख्म लग जाते हैं उनको हील करने में, एंड रिलीज ऑफ हार्मोन्स, और हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को रिलीज करवाने में काम करते हैं, रिलीज करवाने में। तो जैसे एक हार्मोन इंसुलिन है, वो हमारे पैंक्रियाज में बनता है, तो पैंक्रियाज में बनता तो है, पर पैंक्रियाज उसको रिलीज करवाया जाता है इनटू द ब्लड, तो ब्लड में जाने के लिए उसको आर्जिनिन चाहिए, उसको रिलीज होने के लिए आर्जिनिन चाहिए होता है। क्लियर? बट इट्स क्लियर, सबको समझ लग गई है? ओके, यस मैम। ओके चलें, सर आप मुझे क्विकली रिवाइज करवाएं कि व्हाट आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मैं जिसका रोल नंबर बोलती हूँ वो स्टूडेंट मुझे आंसर करे कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। हाँ जी कशफ नूर, बताएं मुझे कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। मैम एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हम मतलब इनटेक नहीं मतलब उसको इनटेक करने की जरूरत होती है, मतलब हमारी बॉडी को इनटेक करने की जरूरत होती है फ्रॉम द आउटसाइड। यस, तो ये वो वाले अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में खुद बन नहीं सकते, तो इनको हमें लाजमी बाहर से लेना पड़ता है, इनको हमें इनटेक करना पड़ता है थ्रू आर डाइट। अच्छा जी, नेक्स्ट मुझे बताएं कि एसेंशियल अमीनो एसिड के कोई भी एग्जांपल बता दें। ज़हरा नूर बताएं मुझे कोई भी एग्जांपल एसेंशियल अमीनो एसिड की। ज़हरा नूर नहीं है? हाँ जी ज़हरा नूर, आपका माइक नहीं चल रहा। चलें ठीक है। अच्छा जी, मैंने ये पूछा है कि कौन सा ऐसा है अमीनो एसिड जो एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाता है, कोई सी एक एसेंशियल अमीनो एसिड का नाम बताएं, उसका सोर्स नहीं, ज़हरा नाम बताएं, किसी एक एसेंशियल अमीनो एसिड का नेम बताएं।
हिस्टिडीन होता है, हिस्टोडीन ही होता है, चलें ठीक है ओके। अच्छा जी अब मुझे महामारिस बताएं कि हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स को कहां से हासिल कर सकते हैं, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। महामारिस व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। महावारिस कहा है, महावारिस नहीं है, महा नोट कर लो, महावारिस की एब्सेंट मार्क करनी है और अगले दो लेक्चर। हाँ जी मैम, वहाँ का लैपटॉप का मसला है, वो लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा उसका, वो इसलिए नहीं है, वो इसलिए नहीं है पर वो लॉगिन है, वो क्लास में है और वो शो हो रही है, लेकिन मैम उसका वो फोन पे शायद देख रही हो लेकिन उसका लैपटॉप अभी चल नहीं रहा है तो बेटा वो चैट में मैम मैं नोट कर रही हूं, वो चैट में बता दे, वो चैट में लिख दे, आंसर लिख दे चैट में लिख दे वो। ओके मैम ऐसे तो मुझे डाउट होगा, मुझे तो ये लगेगा कि आप लोगों ने पीछे से लॉगिन किया हुआ है बस और बैठे पीछे मूवीज देख रहे हो या सोए हुए हो या लॉगिन हो गए तो निकले हुए। मैम मैं उसे क्लास पूरी दिखा रही हूँ वीडियो कॉल पे ही, लेकिन वो ऑनलाइन है उसे पता चल रहा है। नहीं okay. मैम महामारी की बात कर रही है, मैं महा से पूछ रही थी, नहीं मैं महामारी की बात कर रही हूँ। मैम आपने महा का बोला कि महा आप नोट कर ले, तो मैंने महा का कहा कि मैम वो उसको मैं बता रही हूँ साथ साथ, उसका लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है उसका मसला। अच्छा मैंने महा को ये कहना था कि महा आप नोट कर लें कि महामारिस नहीं है, इनकी एब्सेंट मार्क करनी है और अगले दो लेक्चर्स में भी इनकी एब्सेंट मार्क करनी। महामारिस बता रही हूँ, महा को यही बता रही हूँ, वो कह रही है मैम को बता दे, मैं लैपटॉप का मसला है। ओके ओके ठीक है ओके। सो महामारिस के दो दिनों के आगे एब्सेंट मार्क हो गई है। अच्छा जी नेक्स्ट मुझे बताएं सीरत शहजादी, सीरत आप मुझे बताएं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहां कहां से हासिल कर सकते हैं, हमारे लिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स को हासिल करने के क्या सोर्सेज हैं। मैम ये नूर फातिमा का मैसेज आया है, आप ये काइंडली रीड आउट कर लें, माहम का फोन हैंग हो गया। ओके ठीक है वो जल्दी से इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। हाँ जी अभी सीरत कहाँ है, ये भी नहीं है, गई हुई है कहीं सीरत शहजादी भी। बेटा गलत आंसर हो तो कोई बात नहीं पर अगर आप लोग आंसर नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि आप लोग नहीं हो, और अगर आप लोग नहीं हो तो मैं आप लोगों की एब्सेंट मार्क कर दूंगी, आज की भी एब्सेंट मार्क होगी और अगले दो लेक्चर्स की भी एब्सेंट मार्क होगी। ठीक है महा नोट कर लें सीरत शहजादी को भी, इनकी आज की भी एब्सेंट मार्क करनी है और इनकी नेक्स्ट टू डेज के लिए भी एब्सेंट मार्क करनी है। हाँ जी नेक्स्ट मुझे विजदान फातिमा बताएं यही क्वेश्चन। यस मैम। हाँ जी रिजदान बताएं। मैम वो हम एग्स बहुत ज्यादा कॉमन सोर्स है इसका, और उसके अलावा पीनट्स हम खाए हैं और फिश, वाइट फिश। यस तो हम डाइटरी सोर्सेज कौन-कौन, यस डेयरी प्रोडक्ट्स भी जो उनसे है वो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। यस यस तो डेयरी प्रोडक्ट से एग से हम इन सारी चीजों से एसेंशियल अमीनो एसिड्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है चलें जी नेक्स्ट पे आते हैं अब हम।
अगर इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसीज हो जाएं तो क्या होता है? डेफिशिएंसीज का मतलब कि उनकी कमी हो जाए अगर हमारी बॉडी में, तो फिर क्या होगा? A lack of essential amino acids can have adverse consequences for the immune system, results in reduced production of antibodies. अगर essential amino acids हमारी body में कम हैं, उनकी कमी है, तो हमें बहुत adverse, बहुत severe नतीजे भुगतने पड़ते हैं. हमारा immune system बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और वो हमारे immune system में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन, जो कि मुदाफ़ती निज़ाम के लिए एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. मेक एन इंडिविजुअल मोर ससेप्टेबल टू बिकमिंग इल. जाहिर सी बात है, जब इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएगा टू बिकम इल, के वो बीमार हो जाए फ्रॉम बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन. तो ज़रा सा भी बैक्टीरिया और ज़रा सा भी कोई भी वायरल इन्फेक्शन आएगा, वो उसको बहुत सीवियर किस्म का बीमार कर देगा, क्योंकि एसेंशियल अमीनो एसिड्स ना होने की वजह से उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा और उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं बन रही, एंटीबॉडीज की तादाद कम हो गई है. क्लियर? यस मैम. ओके, सो नेक्स्ट है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? बाकी जितने 20 में से 10 बचने हैं वो सारे के सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं. तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं. जैसे अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था एक, कि टायरोसिन को बनाने के लिए फिनाइल एलानिन चाहिए होता है. तो इसका मतलब है टायरोसिन तो खुद ब खुद हमारी बॉडी में बन जाता है अगर फिनाइल एलानिन होगा. तो इसी तरह ये बाकी जो अमीनो एसिड्स हैं, जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये भी हमारी बॉडी में खुद ब खुद सिंथेसाइज हो जाते हैं. इनको डाइट से लेने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं. देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी टेकन इट थ्रू द डाइट. नेक्स्ट है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं? एलानिन, एस्पारजीन, एस्पार्टिक एसिड, सीरीन, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, टायरोसिन एंड प्रोलीन. क्या इनकी कोई शॉर्ट फॉर्म या मतलब वो जैसे पहले था? इनकी भी शॉर्ट, इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है, पर वो मुझे सर्च करनी पड़ेगी, वो अभी इन स्लाइड्स में गिवन नहीं है. ओके मैम, वो मैं सर्च करके फिर आप लोगों को बता दूंगी अगर मुझे याद है. याद करना ज्यादा आसान हो जाता है, मतलब समझ आ जाती है. यस, मुझे पता है, आप लोग इसको खुद भी बना सकते हो कि ये ट्रिपल ए है, ट्रिपल ए और ट्रिपल ए के बाद है एस सी और फिर ट्रिपल जी है. ट्रिपल ए, एस सी, ट्रिपल जी, टी पी. तो इस तरह से भी आप इनको याद कर सकते हो. ट्रिपल ए, ए से एलानिन, एस्पारजीन और एस्पार्टिक एसिड, फिर एस सी, एसरीन एंड सिस्टीन, और फिर तीन जी हैं, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लाइसिन. यस, और फिर टी पी, टायरोसिन एंड प्रोलीन. ओके मैम, ठीक है, आप लोग खुद भी ऐसे एब्रिविएशंस तो बना सकते हो. ओके, चलें जी. अब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के सोर्सेज, इनको भी हम हासिल कर सकते हैं. कहाँ से? मेन फूड सोर्सेज है इनके, एलानिन, मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. उसी तरह एस्पाराजीन भी डेयरी, वे किसको कहते हैं? ये जो अनाज होता है ना, बार्ले वगैरह, ये वे में आते हैं. वे, बीफ, पोल्ट्री, होल ग्रेन्स, सारे के सारा अनाज, उनसे हम एस्पाराजीन हासिल करते हैं. एस्पार्टिक एसिड ऑयस्टर से, स्प्राउटिंग सीड से, शुगर बीट से एंड मोलेसिस से. मोलेसिस क्या होता है? शुगर केन के रस को, जो जूस होता है, यानी कि रो भी जिसको हम कहते हैं, शुगर केन के जूस को जब हम पकाते हैं तो पकाने के बाद हम उसको गुड़ में या शक्कर में तब्दील कर लेते हैं. वो तब्दील करने के बाद उसमें कुछ रेजिड्यूज बच जाते हैं, वो जो रेजिड्यूज होते हैं वो मोलेसिस कहलाते हैं. इस तरह शुगर बीट, चुकंदर से हम हासिल करते हैं एस्पार्टिक एसिड को. स्प्राउटिंग सीड से, तमाम वो वाले सीड जो जर्मिनेट हो रहे हैं, जो उग रहे हैं, उन सीड से भी हासिल कर लेते हैं, और ऑयस्टर्स से भी हासिल करते हैं. नेक्स्ट है सीरीन. सीरीन सोयाबीन से हासिल करते हैं, नट से, ऑलमंड से, चिकपीस. चिकपीस किनको कहते हैं? चनों को, जो हम आम घर में चने खाते हैं, वाइट चने एंड ब्लैक चने. हम भुने हुए चने भी खाते हैं, वो जो भुने हुए होते हैं चने, ब्लैक चने, सब खाते होंगे, आप लोग भी खाते हो.
चिकपीज कहलाते हैं, मीट एंड फिश, तो मीट एंड फिश से भी हम सुरेन को हासिल कर सकते हैं। सिस्टीन कहाँ से हासिल करते हैं? ब्रोकोली, ब्रोकोली क्या है? बंद गोभी, बंद गोभी से हम हासिल करते हैं एग योक्स से, गार्लिक से एंड ओट्स से, ओट्स जो को कहते हैं, नहीं ओट्स किसको कहते हैं, बार्ले जो को कहते हैं, ओट्स को उर्दू में क्या कहते हैं? दलिये को, यस ओट्स दलिये को कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड हम किससे हासिल करते हैं? फिश से, एग से एंड डेयरी प्रोडक्ट से। ग्लूटामिन किससे हासिल करते हैं? बीफ से, डेयरी प्रोडक्ट से, बीन से एंड कैबेज से। कैबेज किसको कहते हैं? गोभी को कहते हैं। फिर ग्लाइसिन, ग्लाइसिन हम किससे हासिल करते हैं? लिग्यूम्स से। लिग्यूम्स कौन से होते हैं? लिग्यूम्स होती हैं दालें, जितनी भी दालें हम, यस हम दालें जितनी भी खाते हैं वो लिग्यूम्स कहलाती हैं। तो ग्लाइसिन हम लिग्यूम्स से हासिल करते हैं, एग से हासिल करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से हासिल करते हैं। टायरोसिन हम किससे हासिल करते हैं? टर्की से हासिल करते हैं, चिकन से हासिल करते हैं, मिल्क से, योगर्ट से और कॉटेज से। कॉटेज चीज की किस्म है और टर्की एक मीट की किस्म है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इसको सर्च कर लेते हैं, टर्की क्या है? टर्की ऐसे तुर्की दुम्बा बोलते हैं। नो, तुर्की तुर्की मुल्क है, ये टर्की परिंदा है आई थिंक। कह रहे टर्की फूड पे आते हैं, व्हाट इज टर्की फूड? ओह नो, ये तो टर्किश फूड पे ले आया हमें। टर्की एक परिंदा है जहां तक मुझे लगता है। यस, तो टर्की एक बर्ड है, इज अ लार्ज बर्ड इन द जीनस मेलाग्रस व्हिच इज नेटिव टू द अमेरिका। ये अमेरिका में पाया जाता है टर्की। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो आप लोगों को इमेज दिखाती हूँ टर्की बर्ड की, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि टर्की बर्ड कैसा होता है। आप लोगों को स्क्रीन शो नहीं हो रही थी पहले? नो मैम, मैम हम अपने पीडीएफ खोल के बैठे हुए थे। हाँ जी ठीक है, तो आप लोग मुझे बताते हैं। वैसे मैं तो कब से लगी हूँ ऐसे। मैम हम समझ रहे हैं आप ऐसे कह रही हैं, मतलब आप अपनी तरफ से खोल के पढ़ा रही हैं। मैम हमने पीडीएफ ऑन किए हुए थे। चलें बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई है जान के कि आप लोग एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल हैं, कि आप लोगों ने अपने नोट्स या आपके पास जो भी मटेरियल था आप लोगों ने वो खोला हुआ था। आई एम इम्प्रेस्ड। चलें तो आप लोगों, वेलकम, आप लोगों को अब ये स्क्रीन शो हो रही है, नजर आ रही है? यस मैम, टर्की बर्ड नजर आया। तो ये टर्की बर्ड, ये टर्की को अगर हम खाएं, इसका गोश्त अगर हम खाएं, तो हमें इससे भी yes, ma'am. ये अमीनो एसिड मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं और ये कितना खूबसूरत परिंदा है। मैम ये हलाल होगा? हाँ जी, परिंदे, वो तमाम परिंदे जो अपनी चोंच से खाते हैं, अपने पाँव में लेके चीज को नहीं खाते, वो तमाम परिंदे हलाल होते हैं। अब मुझे नहीं पता ये चोंच में लेके खाता है या पाँव से खाता है। अगर तो पाँव से खाता है तो फिर हराम है, अगर तो ये अपनी चोंच से खाता है बिल्कुल उस तरह जैसे चिड़िया चोंच से खाती है। पर कौवा क्रो जो है वो अपने पाँव में, आप ने देखो होगा हमेशा, वो अपने पाँव में पकड़ लेता है चीज को और फिर खाता है उसको। तो वो तमाम बर्ड्स जो अपनी चोंच से खाते हैं वो हलाल होते हैं अकॉर्डिंग। हाँ, और उनका जो खाने, उनकी जो खुराक होती है वो बेसिकली अनाज दाने पे मुश्तमिल होती है, छोटे छोटे दाने, दाना दून का जिसको कहते हैं उसको। ठीक है, yes. ये मैं ओके चलें जी, वापस आ जाते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। आप लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? yes, ma'am. Yes, ma'am. जो चले जी, तो टायरोसिन हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? हम टर्की बर्ड से हासिल कर सकते हैं, हम चिकन से हासिल करते हैं, हम मिल्क से, योगर्ट से और कॉटेज, कॉटेज चीज की एक किस्म है जैसे मोजरेला चीज होती है। और कौन सी चीज होती है? चेडर चीज होती है, चेडर चीज होती है, मोजरेला होती है, इस तरह कॉटेज चीज होती है, यस क्रीम चीज भी होती है, कॉटेज चीज भी होती है। तो कॉटेज चीज से हम इसको हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोलीन, प्रोलीन हम लैम्ब से, लैम्ब किसको कहते हैं? देखो मैम दुम्बा मेमना, ठीक है, उससे हम हासिल
करते हैं प्रोलीन, सॉसेजेस से हमें प्रोलीन मिलता है, डेयरी एंड एग प्रोडक्ट से हमें प्रोलीन मिलता है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इनके बेनिफिट्स क्या है, इनके फंक्शंस क्या है। एलानिन का क्या काम है, हेल्प्स मेटाबोलाइज एंड क्लियर टॉक्सिंस फ्रॉम द बॉडी। एलानिन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद टॉक्सिंस को मेटाबोलाइज करवाता है और उनको हमारी बॉडी से निकालने का काम, निकालने में हेल्प करता है कि टॉक्सिंस हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठे ना हो। नेक्स्ट एस्पाराजीन है फॉर हेल्दी ब्रेन सेल्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम सपोर्ट। ये किसके लिए चाहिए होता है, हमारे हेल्दी ब्रेन सेल्स को चाहिए होता है एस्पाराजीन, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है एस्पार्टिक एसिड प्रोड्यूस अदर अमीनो एसिड्स एंड एसेंशियल एंजाइम्स। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये दूसरे अमीनो एसिड्स को और एसेंशियल एंजाइम्स को बनाता है। नेक्स्ट है सीरीन, सीरीन क्या करता है, फॉर मसल मेटाबॉलिज्म, इम्यून हेल्थ एंड गुड मूड्स। तो ये किस किस के लिए चाहिए, अच्छे मूड के लिए सीरीन का माया सीरीन होना जरूरी है, अच्छी हेल्थ इम्यून हेल्थ अच्छा मुदाफती निज़ाम होने के लिए सीरीन होना जरूरी है, और अच्छी मसल मेटाबॉलिज्म के लिए सीरीन होना जरूरी है। नेक्स्ट है सिस्टीन, तो सिस्टीन किसके लिए होता है, स्टिमुलेट्स कोलेजन प्रोडक्शन एंड मेक द एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन। तो ये क्या करता है, कोलेजन के प्रोडक्शन को, तो सिस्टीन क्या है, ये बहुत अच्छा अमीनो एसिड है, किस तरह की, ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये कोलेजन की प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, उसकी प्रोडक्शन को इनहेंस करता है, स्टिमुलेट करता है, एंड मेक द एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन। और एक एंटीऑक्सीडेंट होता है ग्लूटाथायोन, जिसको ये बनाने में हेल्पफुल होता है। और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि अभी रंग को गोरा करने वाले इंजेक्शन आए हुए हैं, कलर फेयर करने वाले इंजेक्शन। Yes, तो वो जो इंजेक्शन हैं, वो इंजेक्शन में कौन सा केमिकल होता है, वो बेसिकली ये ग्लूटाथायोन होता है, उस इंजेक्शन में ग्लूटाथायोन होता है। ग्लूटाथायोन क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने हार्मफुल पेरोक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं उन सबको खा जाता है, उन सबको खत्म कर देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट जरूरी नहीं है कि हम केमिकल्स ही लगवाएं, हम टीके ही लगवाएं तो हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, हम नेचुरल चीजें खा के भी एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी बॉडी में बना सकते हैं। तो नेचुरल चीजें हमें क्या खानी चाहिए, हमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें खानी चाहिए, जिसमें टोमेटोज आते हैं, टमाटर ज्यादा खाने चाहिए। और हमें सिस्टीन किससे मिलता है, सिस्टीन हमें ब्रोकोली से, गोभी से मिलता है, एग योक से मिलता है, गार्लिक से मिलता है, ओट्स से मिलता है। तो हमें ये वाली चीजें खानी चाहिए ताकि हमें सिस्टीन मिले। सिस्टीन मिलेगा तो हमारे अंदर ग्लूटाथायोन बनेगा, ग्लूटाथायोन बनेगा और कोलेजन प्रोडक्शन अच्छी होगी तो हमारी स्किन खुद ब खुद ही अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड हमें कहाँ, ग्लूटामिक एसिड का क्या काम है, प्रोवाइड द एनर्जी फॉर ब्रेन। ये ब्रेन को काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड कीप्स द अमोनिया लेवल इन चेक। और अमोनिया जो हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है वो टॉक्सिक होता है, तो उस अमोनिया के लेवल को ये कंट्रोल रखता है, उस पर चेक एंड बैलेंस रखता है। जैसे अमोनिया का लेवल ज्यादा होने लगता है तो इसको ये किसी ना किसी तरह एक्सक्रीट करवा देता है, बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट है ग्लूटामीन। ग्लूटामीन हमें किस लिए चाहिए, फॉर डाइजेशन एंड इम्यून हेल्थ। ग्लूटामीन हमें चाहिए फॉर डाइजेशन, हमारी चीजों को हजम करने के लिए, एंड इम्यून हेल्थ के लिए, कुव्वत मुदाफती निज़ाम के लिए। नेक्स्ट है ग्लाइसिन। इट हील्स वाउंड्स या वाउंड्स जो मर्जी कह लें, ये हमारे जख्मों को हील करता है, हमारे जख्मों को भरता है, एड्स इन विजन एंड हियरिंग। और ये हमारी देखने और सुनने की एबिलिटी को की मदद करता है, उसके एबिलिटी को अच्छा बनाता है। तो ये एड करता है हमारी विजन में, हमारी बसारत में और हमारे सुनने के एबिलिटीज में। नेक्स्ट टायरोसिन हेल्प्स एलिविएट हाइपरटेंशन। तो ये क्या करता है, हाइपरटेंशन को कम करता है, एलिविएट करने की कोशिश करता है, एंड क्रॉनिक पेन। और ऐसी दर्दें जो क्रॉनिक होती हैं, क्रॉनिक का मतलब जो आपको सालों से लगी हुई है कुछ दर्दें, खुदा ना खास्ता जैसे बूढ़ों में होती है कि उनको रेगुलर क्रॉनिक पेन स्टार्ट हो जाती है, उनको घुटनों का दर्द, उनको जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो क्रॉनिक पेन और हाइपरटेंशन को कम करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है प्रोलीन। प्रोलीन का क्या काम है, इट रिपेयर्स टिश्यूज एंड रीजनरेट स्किन। इसी तरह प्रोलीन भी हमारे टिश्यूज को रिपेयर करता है और हमारी स्किन को रीजनरेट करता है। तो अगर हम प्रोलीन जिसमें होता है, प्रोलीन किस में होता है, लैम में होता है, सॉसेजेस में होता है, डेयरी में एंड एग प्रोडक्ट्स में होता है, तो अगर हम
प्रोलीन हासिल करने वाले प्रोलीन जिससे हमें मिलता है वो वाले सोर्सेज खाएंगे तो उससे भी हमारी स्किन अच्छी होगी, रीजनरेट होगी, पुरानी खराब स्किन शेड होती जाएगी, नई स्किन बनती जाती है, अच्छी स्किन बनती जाती है। क्लियर? यस मैम। अब अगर डेफिशिएंसीज हो जाए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, क्योंकि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो हम डाइट से नहीं ना ले रहे, हमें डाइट से लेने की उनकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमें खुद ब खुद हमारी बॉडी में बन रहे हैं, तो रेयर बट कैन अकर ड्यू टू स्टार्वेशन एंड इलनेस। तो जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसीज हैं वो बहुत रेयर हैं, रेयर का मतलब ये बहुत कम होती हैं, इनकी डेफिशिएंसीज होती नहीं अमूमन, पर अगर कभी हो जाए तो वो किस वजह से होती है, स्टार्वेशन की वजह से, कि कहत है आप कोई 15-20 दिन गुजर गए आपने कुछ खाया पिया ही नहीं है, तो इस वजह से आप में नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसी आ सकती है, अदरवाइज नहीं आती, या किसी बीमारी की वजह से कोई बीमारी ऐसी हो गई जिसमें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बनना ही बंद हो गए, तो उस इलनेस की वजह से आप में डेफिशिएंसी आ सकती है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। डेफिशिएंसी इन आर्जिनिन इज पर्टिकुलरली कॉमन इन प्री मेच्योर इन्फेंट्स। तो आर्जिनिन की डेफिशिएंसी जो है ये बहुत कॉमन डेफिशिएंसी है किन में, प्री मेच्योर इन्फेंट्स में। प्री मेच्योर इन्फेंट्स किन को कहते हैं, ऐसे बच्चे जो जल्दी पैदा हो जाते हैं, जिनकी अभी एज छोटी होती है, वैसे तो 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड होता है पर कुछ बच्चे 9 मंथ से पहले पैदा हो जाते हैं। क्या कह रहे हो? यस, तो जो प्री मेच्योर इन्फेंट्स होते हैं, जो पहले पैदा हो जाते हैं, जो जल्दी पैदा हो जाते हैं अपने टाइम पीरियड के हिसाब से, तो उनमें आर्जिनिन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा कॉमनली पाई जाती है, एंड दस कैन लीड टू प्रॉब्लम्स इन डिटॉक्सिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग अमोनिया फ्रॉम देयर बॉडीज। और इसी वजह से इन बच्चों में, इन इन्फेंट्स में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकते और एलिमिनेट नहीं कर सकते अपनी बॉडी से अमोनिया को, इस वजह से उनकी बॉडी के अंदर अमोनिया स्टोर हो जाता है और उनको हाइपर अमोनीमिया हो जाता है, और ये खतरनाक बीमारी है क्योंकि अमोनिया जो है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, तो अगर ये बच्चे की बॉडी में रहेगा तो उसमें टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा और डेथ भी कॉज कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज सेमी एसेंशियल, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। हमारा टाइम खत्म होने वाला है, 2 मिनट रह गए हैं। मैम हमारी अगली मैम ने लिंक भी सेंड कर दिया है। अगली मैम ने लिंक भी सेंड कर दिया है, तो ये बस हमारी लास्ट स्लाइड है, उसके आगे रेफरेंसेस ही हैं। तो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स बस 2 हैं, वो देख लेते हैं हम। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोस दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडीज मेटाबॉलिक पाथवेज बट पॉसिबली नॉट इन सफिशियंट क्वांटिटी। तो ये ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं पर ये सफिशियंट क्वांटिटी में सिंथेसाइज नहीं होते। सफिशियंट क्वांटिटी का मतलब कि सही जितनी क्वांटिटी इनकी चाहिए बॉडी को, उतनी क्वांटिटी में ये हमारे अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, एंड देयरफॉर मे हैव टू बी सप्लाइड एट लीस्ट इन पार्ट बाय द डाइट। तो इसलिए कुछ हद तक हमें इन अमीनो एसिड्स को अपनी डाइट के थ्रू भी लेना पड़ता है, यानी कि ये सेमी एसेंशियल हैं। अगर तो नहीं लेंगे तो थोड़ा बहुत गुजारा हो सकता है पर कम गुजारा होगा क्योंकि ये ज्यादा नहीं बनते, ये कम अमाउंट में बनते हैं, इसलिए हमें इनको थोड़ा थोड़ा अपनी डाइट से भी लेना पड़ता है। और इनकी एग्जाम्पल कौन सी है? आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। दीज टू अमीनो एसिड्स आर इंपॉर्टेंट एंड दीज आर सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से अमीनो एसिड्स सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन से हैं, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद भी बना सकती है पर प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं बनाती, इसलिए हमें इसको डाइट से भी लेना पड़ता है। ओके? यस मैम। ओके चलें जी, बस आज का जो लेक्चर था वो लेहनिंजर से और लिपिन कॉर्ड से बनाया है, आप लोग जाके लेहनिंजर और लिपिन कॉर्ड से पढ़ सकते हो, मेरा ख्याल है मैंने ये दोनों बुक्स आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। यस मैम। ओके चलें जी, सो अटेंडेंस मार्क कर लिए महा? मैम महा नहीं है यहाँ। हाँ नहीं, फिर कोई और स्टूडेंट मार्क कर ले। मैम मैं बता दूंगी, महा का ना लैपटॉप बंद हो गया है तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं। ओके ओके चलिए ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर लें आप लोगों में से कोई। मैं एक एक्सटेंशन का मसला है, बस वो एक्सटेंशन जैसे ही मेरे पास आ जाती है तो अटेंडेंस का मसला हल हो जाएगा हमारे पास। ओके मैम, तो उतनी देर तक हमें लगानी पड़ेगी अटेंडेंस खुद मैनुअली। ओके मैम। ओके।